हरियाणा में कांग्रेस के साथ बनते बिगड़ते गठबंधन की खबरों के बीच आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 20 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। हरियाणा में गठबंधन को लेकर आप कांग्रेस से 10 सीटें मांग रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हरियाणा में अब कांग्रेस आपका गठबंधन होगा या नहीं होगा, इस पर अभी तक किसी भी पार्टी ने, चाहे वो आप हो या कांग्रेस, किसी ने भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी। संजय सिंह ने भी कहा था कि पार्टी आलाकमान इस पर फैसला लेगा। वहीं सुशील गुप्ता ने भी कह दिया था कि हम 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और हमें भी गठबंधन को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। जिसके बाद अब आपने हरियाणा के 20 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आइए अब जानते हैं कि किस सीट पर किस उम्मीदवार को उतारा गया है। नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से गुरपाल सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। कलायत से अनुराग ढांडा हैं। पुंडरी से नरेंद्र शर्मा, घरौंडा से जयपाल शर्मा, असंध से अमनदीप जुंडला, समालखा से बिट्टू पहलवान, उचाना कला से पवन फौजी, डबवाली से कुलदीप गडराना, रानिया से हैप्पी रानिया, भिवानी से इंदु शर्मा, महम से विकास नेहरा, रोहतक से बिजेंद्र हुड्डा, बहादुरगढ़ से कुलदीप चिकारा, बादली से रणबीर गुलिया, बेरी से सोनू अहलावत शेरिया, महेंद्रगढ़ से मनीष यादव, नारनौल से रविंदर मटरू, बादशाहपुर से वीर सिंह सरपंच, सोहना से धर्मेंद्र खटाना, बल्लभगढ़ से रविंद्र फौजदार। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।